नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE और ओमान में किया जाएगा। विश्व कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। कोरोना के कारण इस T20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं होगा। ICC के मुताबिक भले ही यह टूर्नामेंट भारत में नहीं होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट की मेजबानी BCCI ही करेगा। ICC के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों का आयोजन UAE और ओमान के 4 स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड शामिल हैं। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि BCCI UAE और ओमान में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है। हमें ज़्यादा खुशी होती अगर यह भारत में होता, लेकिन कोविड-19 की कंडीशन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। BCCI इस टूर्नामेंट की मेजबानी UAE और ओमान में करता रहेगा। BCCI इसके लिए पूरी तैयारी में है और देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों BCCI ने IPL रद्द करने का फैसला किया था। IPL के कई खिलाड़ी इससे संक्रमित हो गए थे। अब IPL का आयोजन भी UAE में ही कराया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से IPL UAE में ही किया गया था। तो आपको क्या लगता है, कौन सी टीम या T20 मुकाबला जीतेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।